कल हम लोगों ने, ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। हम लोगों ने देख लिया था लिंकेज के बारे में, देख लिया था डिजीज के बारे में, देख लिया था, ठीक है, ये सब हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, डिजीज देख लिया था, लिंकेज के बारे में देख लिया था, और सारे चैप्टर कल क्वेश्चन उस पर कर लिए थे हम लोगों, लिंकेज, पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है, और डिजीज, ठीक है, जिसमें स्कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया का आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा आपको, ठीक है। अब हम लोगों को मेंडल ने बताया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में कि हमारा करेक्टर और ट्रांसफर हो रहा है, हमारा एक करेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर जा रहे हैं हमारा, हम लोगों ने सारा देख लिया था, ठीक है। अब सेकेंड हमारा है चैप्टर है जेनेटिक्स का, ये हमारा दूसरा चैप्टर है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें हमको देखना है कि करेक्टर कौन ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल, जो करेक्टर के लिए मॉलिकुलर बेसिस पे जाना है हमको, मॉलिक्यूल्स के बारे में पता करना, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो ये करेक्टर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इसका हम लोग फाइंड करेंगे, तो चैप्टर का नाम लिख लेते हैं हम लोग, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, इसके बाद करना हमको मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, नया चैप्टर हमारा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब जब यहाँ पे पूछा जाएगा पहला, देखना, सॉरी, करेक्टर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है उसका करेक्टर क्या क्या होगा, तो पल, ठीक है, जो हमारा करेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उसके जो मटेरियल ट्रांसफर हो, जिसको जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं हम लोग, कि कैसे कैसे ट्रांसफर, उसका करेक्टर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं हम लोग, करेक्टर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, करेक्टर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। अब इसमें हम लोग करेक्टर ऑफ जेनेटिक मटेरियल में जाते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है कि जो भी करेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ऐसा बोला गया कि जो भी करेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी हमारा, तो होना चाहिए यदि हमारा पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग ट्रांसफर हुआ, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग में भी रिप्लीकेट होना चाहिए, रिप्लीकेट होना चाहिए, एक से दो, दो से चार बनने चाहिए। तो जो भी हमारा करेक्टर ऑफ जेनेटिक मटेरियल है हमारा, पहला तो रिप्लीकेबल होना चाहिए, यदि नॉट रिप्लीकेबल है तो उसको हम करेक्टर ऑफ जेनेटिक मटेरियल में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे जेनेटिक मटेरियल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होना चाहिए, वो रिप्लीकेट होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमारा, जो करेक्टर मटेरियल जेनेटिक मटेरियल था वो कैसा होना चाहिए, रिप्लीकेट होना चाहिए, तभी हम उसको जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं हम लोग, कि यदि जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन हुआ, ठीक है, मान लीजिए म्यूटेशन हो गया, तो जो म्यूटेशन होना चाहिए, बताया था आपको कि म्यूटेशन हो रहा है, तो म्यूटेशन हो यदि हुआ तो स्टेबल म्यूटेशन होना चाहिए, अच्छा वाला म्यूटेशन होना चाहिए, और म्यूटेशन हो ट्रांसफर होना चाहिए, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होना चाहिए, यदि म्यूटेशन हुआ तब की बात करें जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है, कि जो जेनेटिक मटेरियल था हमारा, यदि उसमें म्यूटेशन हुआ तो स्टेबल म्यूटेशन होना चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए करेक्टर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग कि कैसा होगा हमारा, स्टेबल म्यूटेशन एंड म्यूटेशन शुड बी इनहेरिटेबल, शुड बी इनहेरिटेबल, ठीक है। चलो, हमारा जो म्यूटेशन है शुड बी म्यूटेशन है, स्टेबल म्यूटेशन, और म्यूटेशन शुड बी इनहेरिटेबल, ठीक है। चलो अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यदि कोई इंफॉर्मेशन है तो ट्रांसलेट होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो प्रोसेस आएगा ट्रांसलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हमारा एमआरएनए से डीएनए बना, ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बना और एमआरएनए हमारा प्रोटीन बनाने का काम किया, ठीक है, ऐसा हम देखेंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट होना चाहिए हमारा, ये सब डिस्कवरी बाद में हुई थी, ठीक है, जब साइंटिस्ट ने देख लिया कि हमारा डीएनए मटेरियल कौन है, हमारा आरएनए है, तो बताया कि हमारा यदि करेक्टर ऑफ जेनेटिक मटेरियल के करेक्टर क्या क्या होने चाहिए, शुड बी एबल टू ट्रांसलेट
द इनफॉर्मेशन बाय ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, शुड बी एबल टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन बाई ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन है, ऐसी है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, हम लोग ट्रांसलेट होना चाहिए यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहिए, फिर बाद में ट्रांसक्रिप्ट भी होना चाहिए यानी प्रोटीन बनना चाहिए, उस जेनेटिक मटेरियल से प्रोटीन बनना चाहिए हमारा, ठीक है। ये हमारे तीन करेक्टर हैं जेनेटिक मटेरियल के, पहला रिप्लीकेबल होना चाहिए, दूसरा स्टेबल म्यूटेशन होना चाहिए, और इस म्यूटेशन शुड बी इनहेरिटेबल होना चाहिए। थर्ड हमारा करेक्टर जेनेटिक मटेरियल का, इट शुड बी एबल टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन बाई ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये तीन हमारे करेक्टर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने चाहिए। यदि ये है तीनों तो जेनेटिक मटेरियल हमारा सही है, नहीं तो उसे जेनेटिक मटेरियल नहीं बोलेंगे, कुछ और मटेरियल बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखा गया कि जेनेटिक मटेरियल के हमारा मॉलिकुलर बेसिस पे तो हमारा एक ही है जिसके हम पढ़ेंगे यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड। पहले डीएनए और आरएनए के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, फिर बाद में देखेंगे किसने कैसे कैसी डिस्कवरी उसकी करते चले गए, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा, हेडिंग डाल लेते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, फर्स्ट है हमारा न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमको जाना है। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, हमारा दो ही होते हैं न्यूक्लिक एसिड, हमारा फर्स्ट होता है हमारा डीएनए और सेकेंड है हमारा आरएनए। इसके बारे में हमको पहले पढ़ना है, फिर बाद में हम सब चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड में पहला हमारा डीएनए और सेकेंड हमारा आरएनए, ठीक है। आरएनए क्या करता है हमारा, आरएनए जानते कहीं पे भी आ गया आरएनए तो ये क्या होता है हमारा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। यदि कहीं भी आपको पूछा जाए आरएनए कभी भी पूछा जाए तो पहला हमारा काम होना चाहिए कि याद होना चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम आरएनए करता है, ठीक है। आगे देखेंगे और क्या क्या काम कर सकता है हमारा आरएनए एंड डीएनए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, पूछे जाते भी हैं, और ठीक है। अब देखो पहला पूछेगा हमारा डिसकवर्ड बाई, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवर्ड बाई फ्रेडरिक मिक्सचर, फ्रेडरिक मिक्सचर, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कि न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की थी, फ्रेडरिक मिक्सचर ने डिस्कवरी की थी 1869 में, ठीक है। फ्रेडरिक मिक्सचर फर्स्ट थे जो उन्होंने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की इन पस सेल, ठीक, किसमें की थी, पस सेल, बट इन्होंने न्यूक्लिक एसिड नहीं बोला, इन्होंने दूसरा इसका नाम बोला, ही कॉल्ड इट ठीक है, ही कॉल्ड इट न्यूक्लिन, इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लिन बोला, ठीक है, इसको क्या बोला इन्होंने, न्यूक्लिन बोला, ठीक है। और दूसरा बताया कि डीएनए इज एसिडिक सबस्टेंस, डीएनए क्या होता है हमारा, एसिडिक सबस्टेंस होता है, ठीक है। तो पहला डिस्कवरी हमारे फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, बट उन्होंने न्यूक्लिक एसिड नहीं नाम दिया उसको, बोला न्यूक्लिन बोला, क्या बोला उन्होंने, न्यूक्लिन बोला, ठीक है। फिर हमारा डीएनए इज द एसिडिक सबस्टेंस पता चल गया यहाँ से, फ्रेडरिक मिक्सचर ने भी बता दिया कि डीएनए क्या होता है हमारा, एसिडिक होता है, बेसिक नहीं होता, ठीक है। अब तो पूछा जाता तो टर्म किसने दिया भाई, ठीक है, टर्म न्यूक्लिक एसिड, ये भी तो पता होना चाहिए हमारा कि टर्म किसने दिया, तो डिस्कवरी तो हो गई हमारी बट टर्म तो कोई किसी ने तो दिया होगा, ठीक है। तो हमारे टर्म दिए थे अल्टमान ने, ठीक है, किसने दिया था हमारा, अल्टमान ने दिया था, अल्टमान 1889 में, ठीक है, ये हमारा है, ये अभी जस्ट पिछले में ही पूछा गया था क्वेश्चन हमारा कि न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की थी, तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने, डिस्कवरी फ्रेडरिक मिक्सचर ने ही किया था बट न्यूक्लिन दिया था, बाद में टर्म इसका न्यूक्लिक एसिड जो दिया गया जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें किसने दिया था, अल्टमान दिया था 1889 में, ठीक है। कुछ सन के बारे में आपको जिसको जिसको लिखा रहे हैं वही जरूरत पड़ेगी, सारे जगह पे एक्सपेरिमेंट पे हमको जरूरत नहीं पड़ती इसकी, ठीक है। चलो
अब ये पूछा था, चलो न्यूक्लिक एसिड उन्होंने बता दिया, तो न्यूक्लिक एसिड बना किससे होगा ये भी तो दिमाग में आता है। सर हमने डीएनए है या फिर आरएनए, तो डीएनए का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड द्वारा, बट बना किससे होगा। न्यूक्लिक एसिड का पूछा था, न्यूक्लिक एसिड बना किससे है, किससे किससे मिलकर बना है, ठीक है। तो देखा गया, तो न्यूक्लिक एसिड बाद में जब और डिस्कवरी हुई तो देखा गया कि न्यूक्लिक एसिड तीन चीजों से मिलके बना है, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा पेंटोज शुगर है हमारा उसमें, सेकेंड हमारा नाइट्रोजिनस बेस है, और थर्ड है हमारा फास्फोरिक एसिड, ठीक है। तीन चीजों में बने हुए हैं, ठीक है, पेंटोज शुगर में और पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस एंड थर्ड फास्फोरिक एसिड, तीन चीजों से मिलके, ठीक है, बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो तीनों को हमको पढ़ना है, डायग्राम के साथ पढ़ने हैं, कुछ कुछों के, कुछ कुछ के हम लोग बायोमोलिक्यूल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग लिखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लिक एसिड किससे किससे मिलकर बना है। चलो पहला है इसमें हमारा, बात करेंगे पेंटोज शुगर, ठीक है, फर्स्ट है हमारा पेंटोज शुगर, ठीक है, पहले नाम लिख लेते हैं फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पेंटोज शुगर है पहला, सेकेंड है हमारा नाइट्रोजन बेस, एंड थर्ड है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये तीन चीजों से मिलके बना होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड से बना होता है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे, कि जो पेंटोज शुगर है इसकी बात करें हम लोग, पेंटोज शुगर नाम ही हमारा पेंटोज शुगर, यानी किससे बना होगा, 5 कार्बन, किससे बना होगा, हमारा पहले दिमाग में आता है कितने बना होंगे हमारे, 5 कार्बन के बने होंगे। अब यहाँ पेंटोज शुगर जो होते हैं हमारे वो टू टाइप के होते हैं, ठीक है, थीके? एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग राइबोज, दूसरे को बोलते हैं हम लोग डी ऑक्सी राइबोज, ठीक है। फर्स्ट हमारा राइबोज एंड सेकेंड हमारा डी ऑक्सी राइबोज, 5 कार्बन के बने हैं, एक राइबोज है, एक हमारा डीऑक्सी राइबोज है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स हम लोग पढ़ते हैं इसको डिटेल में, बट यहाँ पे भी थोड़ा पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। अब होता क्या, कैसे डायग्राम बनाएंगे, देखो, तो एक बना रहे हैं हम लोग किसका, राइबोज, क्या बना रहे हैं कि राइबोज है, हमारा डायग्राम है हमारा 5 कार्बन का है, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक। चलो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, और यहाँ से बढ़ा दिए, ये हो गया हमारा 5, ठीक है, ये 5 कार्बन हो गए हमारे, ठीक है, 5 कार्बन हो गए मेरे। चलो अब राइबोज हमारा कैसे कैसे जुड़े होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा एच ओ एच, 1st कार्बन पे एच ओ एच, सेकेंड पे ओ एच एच, इस तरह एडजस्ट होगा, थर्ड पे एच ओ एच, यहाँ पे हमारा एच, और 5 कार्बन पे होता है हमारा CH2OH, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल राइबोज का डायग्राम, हो गया मॉलिकुलर बेसिस डायग्राम हो गया, ठीक है, ये 5 कार्बन के हमारे राइबोज, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ पे हमारा CH2OH है हमारा, फर्स्ट पे एच ओ एच, सेकेंड पे भी एच ओ एच, थर्ड पे भी एच एंड ओ एच है, एंड फोर्थ पे एच है, और उसके ऊपर हमारा CH2OH है, ठीक है। ये हो गया हमारा राइबोज का डायग्राम, ठीक है। अब हम यदि बात करते हैं डी ऑक्सी राइबोज के बारे में, ठीक है, इसकी बात करते हैं हम लोग, डी ऑक्सी राइबोज के बारे में डायग्राम बनाना है हमको, ठीक है। तो सेम इसी तरह बनाएंगे हम लोग, वो भी कितने कार्बन का हमारा, 5 कार्बन का है, चलो ये बना लिए, ठीक है। और भी इसमें कई आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, बहुत डिटेल में, उतना हमको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो देखो अब ये हो गया 5 कार्बन का, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वही जोड़ देंगे CH2OH, ये कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ फर्स्ट नंबर कार्बन पे HOH, ठीक है। अब देखो चेंज कहाँ होता है हमारा, सेकेंड नंबर कार्बन पे, ठीक है, किसमें चेंज होता है हमारा, सेकेंड नंबर कार्बन पे, यहाँ पे होगा हमारा H और H, ठीक है,
लेकिन बट अनदर पोजीशन पे हमारा सेम होगा एच ओ एच और एच, ठीक है। बस देखना इस सेकेंड नंबर कार्बन को, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। डी मतलब होता है दो, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। दूसरे नंबर से यदि ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो उसे बोलते हैं हम लोग डी ऑक्सी राई बोझ बोला जाता है, ठीक है। पहला हमारा राइबोज है जिसमें हमारा हर पोजिशन एच ओ एच है, बट डी ऑक्सी राइबोज में क्या, डी मतलब दो, ठीक है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। दूसरे नंबर से यदि हम एक ऑक्सीजन को निकाल दें तो उसी को बोलते हैं हम लोग डी ऑक्सी राइबोज, ठीक है। तो हो गया हमारा पेंटोज शुगर, राइबोज एंड डी ऑक्सी राइबोज। पेंटोज में दो आएंगे हमारे, डी ऑक्सी एंड राइबोज, ठीक है। राइबोज आर एन ए, डी ऑक्सी डी एन ए, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा पेंटोज शुगर का। अब सेकेंड है, आपको किसकी बात करनी है, नाइट्रोजिनस बेस की बात करनी है कि नाइट्रोजिनस बेस कैसे होते हैं, ठीक है। तो सेकेंड हम डाल लेते हैं जी, सेकेंड हमारा नाइट्रोजन बेस, ठीक है। नाइट्रोजन बेस की बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन बेस कैसे होता है हमारा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन बेस के बारे में। अब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के लेते हैं, ठीक है। दो होते हैं हमारे, जैसे बताया था आपको नाइट्रोजन सेलेवन में आप लोगों ने पढ़ा होगा नाइट्रोजनस बेस के बारे में। फर्स्ट होता है हमारा प्यूरीन, दूसरा होता है पिरामिडीन, ठीक है। ये हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं जो हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों ने इलेवंथ में कुछ पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, तो उसके बारे में यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, हमारा दो है हमारे, ठीक है। फर्स्ट है हमारा प्यूरीन, सेकेंड है हमारा पिरामिडीन्स, ठीक है। चलो तो लिख लेते हैं, नाइट्रोजनस हमारे दो हो गए, फर्स्ट ए है हमारा जिसको बोलेंगे प्यूरीन्स, और बी है हमारा पिरामिडीन्स, ठीक है। अब इसके भी डायग्राम बनाए जाते थे प्यूरीन्स एंड पिरामिडीन्स के, बायोमॉलिक्यूल्स में दिया एनसीईआरटी में, वहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे ज़्यादा नहीं टाइम लॉस करेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बस हमको थोड़ा सा जानना है कि कैसे कैसे होता है हमारा, ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ प्यूरीन में कौन कौन सा होता है हमारा, जिसको प्यूरीन में दो होते हैं हमारे, एक बोलते हैं एडेनिन और सेकेंड होता हमारा गुआनिन, ठीक है। एक होता है एडेनिन, दूसरा होता हमारा गुआनिन, ठीक है। पिरामिडीन्स की बात करें या पिरामिडीन्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है। एक पहला होगा हमारा साइटोसिन, दूसरा थाइमिन और तीसरा होता हमारा यूरेसिल, ठीक है। तीन होते हैं हमारे साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है, देखिए यूरेसिल क्या होता है। जब डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में देखना, ध्यान देना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था डीएनए में क्या होगा, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है। डीएनए की बात करेंगे आगे हम लोग देखेंगे डीएनए में, ठीक है। तो कौन कौन सा होता है हमारा, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है। बट जब हम लोग बात करेंगे आरएनए की, ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे आरएनए की, तो आरएनए की बात करते हैं तो उसमें होगा एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरेसिल। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये किस में होता है, ओनली फॉर प्रेजेंटिंग आरएनए, किसके जगह पे, इन द प्लेस ऑफ थायमिन, ठीक है। इन द प्लेस ऑफ थायमिन की जगह हमारा क्या होता है, यूरेसिल होता है हमारा, ठीक है। चलो ये हमारा है, अब इसमें कुछ डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। इसमें हमारा कुछ डिफरेंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखो प्यूरीन के जब भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे आगे बायोमॉलिक्यूल्स में बनाएंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं ज्यादा टाइम बनाएंगे, तो जब भी डायग्राम देखें तो एक ऐसा होता है हमारा डाइसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है। कैसा होता है हमारा डाइसाइक्लिक, ठीक है, दो साइकिल होंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्यूरीन में लिख लेते हैं कैसा हमारा डाइसाइक्लिक, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे बना दे रहे हैं हम, इसे बोलते हैं हम लोग डाइसाइक्लिक, क्या हो गया हमारा डाइसाइक्लिक, ठीक है। तो दो साइकिल होते हैं हमारे डाइसाइक्लिक है, यदि डाइसाइक्लिक है तो इसमें कितने परसेंट होते हैं नाइट्रोजन एटम, 4 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। कितने में नाइट्रोजनस बेस है तो नाइट्रोजन तो प्रेजेंट ही होगा, तो 4 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं डाइसाइक्लिक में। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे, किस किस पोजिशन पे, 1, 3, 7 एंड 9, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 1, 3, 7 एंड 9 पोजिशन पे हमारा प्रेजेंट होता है प्यूरीन में नाइट्रोजन एटम, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं पिरामिडीन्स की, एक ऐसा होता है हमारा मोनो
साइक्लिक, कैसा होता है हमारा, मोनोसाइक्लिक। यदि ये मोनोसाइक्लिक है तो नाइट्रोजन एटम डाइसाइक्लिक कंपाउंड से क्या होंगे, कम होंगे, तो कितने होते हैं इसमें, टू नाइट्रोजन एटम्स ओनली प्रेजेंट, और प्लेस क्या होगा हमारा, वन एंड थ्री पोजिशन पे, किसमें प्रेजेंट होगा हमारा, वन एंड थ्री पोजिशन पे प्रेजेंट होता है। अब देखना ठीक है, एक और पॉइंट इसमें पूछा जाता है कि हमारा पढ़ रहे हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड हमारा तीन चीजों से बना है, पेंटोज सुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड। तो जो ये प्यूरीन्स है या पिरामिडीन्स है, ये फास्फोरिक पेंटोज सुगर के किस पोजीशन से जुड़ता है, ठीक है, किस पोजीशन से जुड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाओ बच्चों, ठीक है, चाहे राइबोज हो चाहे डीऑक्सी, दोनों में से कोई भी एक ले लो, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज या राइबोज, ठीक है, तो हमेशा जो होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस कहाँ जुड़ता है हमारा, वन नंबर कार्बन पे, याद रखना, ठीक है, किस पे जुड़ेगा हमारा, वन नंबर कार्बन पे हमारा नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, किसका, फास्फोरिक पेंटोज सुगर का, पेंटोज सुगर का वन नंबर कार्बन से हमारा नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। बट नाइट्रोजनस बेस का कौन सा नंबर हमारा पेंटोज सुगर से जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस का, पेंटोज सुगर का वन नंबर कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, बट नाइट्रोजनस बेस का कौन सा नंबर ऐसा है जो हमारा पेंटोज सुगर के वन नंबर से अटैच होगा, दोनों प्यूरीन और पिरामिडीन्स की बात करते हैं, दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है, दोनों में अलग अलग होता है, उसको लिखना है हमको, ठीक है, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज सुगर, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज सुगर से अटैच होगा हमारा नाइट्रोजन बेस, एंड पेंटोज सुगर का फर्स्ट कार्बन, लेकिन प्यूरीन की बात करें या एडेनिन या ग्वानिन, प्यूरीन मतलब एडेनिन है, ग्वानिन की बात करें तो इसका कौन सा नाइट्रोजन एटम, नाइन्थ ऑफ प्यूरीन, नाइन्थ ऑफ प्यूरीन, इसी तरह इसमें भी होगा हमारा फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज सुगर, एंड इसका कौन सा होता है हमारा, फर्स्ट ही होता है, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ पिरामिडीन्स, ठीक है, फर्स्ट ऑफ पिरामिडीन्स, ठीक है, इसका यानी, ठीक है, यानी फर्स्ट कार्बन हमारा पेंटोज सुगर का तो रहेगा दोनों में, बट प्यूरीन का ये प्यूरीन जुड़ा है, यानी एडेनिन और ग्वानिन यदि हमारा पेंटोज सुगर से जुड़े हैं तो नाइन्थ वाला पोजीशन होगा, बट लेकिन पिरामिडीन जुड़ा है तो पिरामिडीन का कौन सा होगा, पहला नंबर वाला पोजीशन जाके हमारा पेंटोज सुगर से जुड़ जाएगा। तो ये दोनों आपको डिफरेंस पूछे जाते हैं, ठीक है, आप याद भी रखना कि ये डिफरेंस, ठीक है, क्या क्या होता है, डाइसाइक्लिक, इधर मोनोसाइक्लिक, इधर फोर नाइट्रोजन एटम, इधर टू नाइट्रोजन एटम, फोर नाइट्रोजन एटम प्यूरीन्स के कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, वन थ्री सेवन एंड नाइन पोजिशन पे। यहाँ पे बात करें कि टू नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है किसमें, वन एंड थ्री पोजिशन पे, जो प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस है वो जुड़ा रहता है हमारा पेंटोज सुगर के फर्स्ट नंबर कार्बन से, बट जब नाइट्रोजनस बेस का प्यूरीन जुड़ेगा तो नाइन्थ पोजीशन, नाइन्थ का प्यूरीन जुड़ेगा, नाइन्थ पोजीशन वाला प्यूरीन प्यूरीन, और इसमें फर्स्ट पोजीशन वाला पिरामिडीन्स जुड़ेगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। थर्ड की बात करते हैं, हमारा थर्ड आता है कौन सा, ठीक है, थर्ड है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, थर्ड है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड कैसे काम करेगा, ठीक है, कैसे काम करेगा हमारा फॉस्फोरिक एसिड, कैसे वर्क करेगा, कहाँ पे जुड़ेगा, ये सब देखना है हमको, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड में देखते हैं तो इसका होता है फिफ्थ कार्बन ऑफ पेंटोज सुगर, ठीक है, फिफ्थ कार्बन, जो फिफ्थ कार्बन हमारा पेंटोज सुगर का, यानी कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये और ए, तो यहाँ पे कहीं पे हम आके आके फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा, ठीक है, और फास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है हमारा, कोई बताएगा एनीवन, फास्फोरिक एसिड का फार्मूला, हाँ राइट राइट, ठीक है, हाँ बताओ, फास्फोरिक एसिड का फार्मूला बताएं आप लोग, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, फास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H3PO4, वेरी गुड, ठीक है, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, क्या होता है हमारा H3
PO4, ठीक है, ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है। बट इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग, तो ये हमारा कुछ इस तरह का होता है, बताना सही है कि गलत है। वैसे हो सब सही होगा, देखो ये शायद ये हमारा होता है फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला, H3PO4, वेरी गुड, ठीक है। चलो ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4, ठीक है। अब इसको जोड़ना है हमको किस पे, पेंटोज शुगर के 5 नंबर कार्बन पे जोड़ना है, ठीक है। चलो तो हम बना लेते हैं, अब तीनों को बनाएंगे एक साथ, ठीक है। बीच में बना लिए हम लोग पेंटोज शुगर, ठीक है। ये 1 कार्बन नंबर, 2, 3, 4 एंड यहाँ पे जोड़ लिए हम लोग 5 नंबर कार्बन। ये हो गया हमारा पेंटोज शुगर, जिसपे हमारा है पेंटोज शुगर में, यहाँ देख लेते हैं क्या हमारा CH2OH, ठीक है। ये हमारा CH2OH है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा 1 नंबर कार्बन से जुड़ गया हमारा नाइट्रोजन बेस, कौन जुड़ गया हमारा नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन एंड पिरामिडीन, ठीक है। CH2OH में हमारा फार्मूला बना लेते हैं, हमारा यहाँ पे बना PO(H)OH एंड डबल बॉन्ड O, ये बना दिए। अब देखो दोनों जैसे ही आपस में आते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर होंगे इनके बीच में बॉन्ड क्रिएट बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग, ये पूछा जाता है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। कौन सा हो गया हमारा फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। किसके किसके बीच में, फॉस्फोरिक एसिड एंड पेंटोज शुगर, यदि पेंटोज शुगर को जुड़ना है, फॉस्फोरिक एसिड को जुड़ना है पेंटोज शुगर के साथ, तो बॉन्ड जो क्रिएट होगा कौन सा होगा हमारा फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, पेंटोज शुगर हमारा, ये पेंटोज शुगर हमारा, पेंटोज शुगर से हमारा नाइट्रोजनस बेस भी जुड़ेगा, जैसे जुड़ेगा उसके बीच में बॉन्ड बनेगा। अब इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये याद रखना आप लोग, दो तीन चीजें पूछी जाएंगी आपको बॉन्ड के, कि नाइट्रोजनस बेस को यदि जोड़ना है, ठीक है, किससे, पेंटोज शुगर से, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा कौन सा हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और यदि हमको फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ना है किससे, पेंटोज शुगर से, तो उसे बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब इस डायग्राम को, ठीक है, जिसके पास पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ठीक है, इनको यदि ये है तो इस डायग्राम को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड, क्या बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड यानी क्या क्या हो गया हमारा, फॉस्फोरिक एसिड प्लस पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजन बेस को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इसी से जुड़ता हुआ क्वेश्चन पूछा गया आपको नीट में, एक होता है हमारा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड साइड वाला पोर्शन हटा देना है। अब कौन से साइड वाला हटाएंगे, नाइट्रोजन बेस तो जरूरी, एडेनिन और प्यूरिन नहीं होगा तो काम ही नहीं चलेगा। न्यूक्लियोसाइड में होता है हमारा सिर्फ पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, किसको हटा देना है, सिर्फ हमारा फॉस्फोरिक एसिड को हटा दो, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ठीक है। तो बस फॉस्फोरिक एसिड को हटा दो, ठीक है, और सबको रखो साथ में, उसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड, यानी साइड वाला पोर्शन क्या करना, हटा देना विदाउट फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। चलो हो गया न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड के बारे में, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, यस नो करो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हम इसके बाद पढ़ना है हमको डीएनए व आरएनए पढ़ना है, ठीक है, सबको क्लियर है, यस सर वेरी गुड, ऑल लोग भी करें, ठीक है, सब लोग बताओ तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यस सर वेरी गुड, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है ना, चलो वेरी गुड, यस सर चलो गुड, यस
वेरी गुड वेरी गुड। बॉन्ड बता दो, ठीक है वेरी गुड। ठीक है बॉन्ड, देखो बॉन्ड तो ऐसे केमिस्ट्री वाले सर आप लोगों को बताएंगे ज्यादा डिटेल में, बस इतना याद रखना। फिर देखो यहाँ पे बोर्ड पे देखो, वेरी गुड, चलो बता देते हैं बॉन्ड है। ठीक है राज जी का, देखो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के बीच में जो बनता है उसे बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज, ठीक है, यदि ग्लूकोज ग्लूकोज से जो भी बॉन्ड बन रहा है उसे ग्लाइको बोलेंगे। ठीक है अब वह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मोस्टली ही बोलते हैं, बायोमेट्रिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, 1414 बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी पेंटोस शुगर यदि नाइट्रोजनस बेस को जोड़ रहा है आपस में साथ में, तो उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है दूसरा कि पेंटोस शुगर के साथ यदि फॉस्फोरिक एसिड जुड़ रहा है, पेंटोस शुगर के साथ यदि फॉस्फोरिक एसिड जुड़ रहा है तो बॉन्ड के बिना तो जुड़ेगा नहीं, कोई भी चीज हम बिना बॉन्ड के नहीं जुड़ता यूनिवर्स में कहीं पे भी देख लो। ठीक है यदि बॉन्ड वहां पे बीच बन रहा है फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोस शुगर के बीच में, तो उसे बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है कि जब ये दोनों जुड़ते हैं तो वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तब जाके बनता है हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और फॉस्फोडाइएस्टर आपको अच्छे से पढ़ना है कैसे बनता है, कैसे RCOOH हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है मॉलिक्यूलर बेसिस पे, तो कभी टाइम होगा केमिस्ट्री का थोड़ा जानते हैं तो वहां पे बताएंगे आपको, नहीं तो केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे आपको। ठीक है चलो क्लियर हो गया राज जी, चलो यहां तक हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ना है हमको DNA, क्या पढ़ना है हमको DNA पढ़ना, ठीक है DNA पढ़ना हमको। चलो DNA में होता हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है DNA को बोला जाता है। ठीक है अब देखो DNA हम जानते हैं, नाम तो जानते ही है। ठीक है अब आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ DNA, ठीक है पहला आएगा हमारा पढ़ना हमको स्ट्रक्चर ऑफ DNA, फर्स्ट जो पढ़ना हमको स्ट्रक्चर ऑफ DNA। ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ DNA पहला पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है ये न्यूक्लिक एसिड जानते हैं साइंटिस्ट हम लोग देख लिए कि फ्रेडरिक मिक्सर साहब हैं जो हमारा स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किए थे। ठीक है और DNA क्या होता हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, DNA इज द एसिडिक सबस्टेंस। ठीक है क्या लिख सकते हैं हम लोग DNA कैसा होता है, DNA एज एसिडिक सबस्टेंस। DNA एज एसिडिक सबस्टेंस। ठीक है सेकेंड कि टर्म DNA किसने दिया था, ठीक है टर्म, ठीक है टर्म किसने दिया था बताओ आप लोग बेटा कि टर्म किसने दिया था DNA के बारे में, टर्म किसने दिया था, कुछ पढ़े होगे आप लोग अभी बताएंगे बच्चे। ठीक है बेटा बताओ आप लोग DNA का टर्म DNA किसने दिया था, DNA किसने बताया था DNA टर्म किसने दिया था बताएं तब तक, टर्म DNA, ठीक है चल लगता है नहीं पता, जैसे नाम पढ़े होगे। ठीक है देखो DNA टर्म जैसे पूछा था तो अधिकतर क्या होता है दिमाग में हमारा क्लिक करता है कि DNA का टर्म किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया। ठीक है लेकिन उन्होंने DNA का टर्म नहीं दिया था, उन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि DNA का स्ट्रक्चर होता कैसे है, जैसे जितने भी ब्यूटी क्रीम्स आती हैं ठीक है मोस्टली उसपे क्या होता है DNA का स्ट्रक्चर बना के दिया जाता है कि आप लगाइए और हमारा जेनेटिक करेक्टर ऐसा ऐसे गोरे हो जाएंगे। ठीक है अरे जो हमारा जीन ही चेंज हो रहा है यानी मतलब हमारी जो क्रीम है हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि जेनेटिक्स पे पहुंच गए हम लोग, ठीक है दिया गया जो, ठीक है तो हमारा क्या होगा पूरा जीन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है जैक क्रिश, ठीक है बहुत सही वेरी गुड आस्था। ठीक है DNA का टर्म किसने दिया था, जैक क्रिश ने दिया था। ठीक है चलो बाई जैक क्रिश, ठीक है टर्म DNA वाज गिवन बाई जैक क्रिश। ठीक है सेकेंड आता है थर्ड आता है हमारा
स्ट्रक्चर किसने बताया? स्ट्रक्चर वाज गिवेन बाय, स्ट्रक्चर वाज गिवेन बाय, यहाँ पे हमारे हैं साइंटिस्ट के नेम है हमारे वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, कौन है हमारे वाटसन एंड क्रिक, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलके हमारा स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ठीक है। और डीएनए होता क्या हमारा, तो लिख लेते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, किसका क्या होता हमारा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी पेंटोस सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस में कौन सा होगा एडेनिन थाइमिन साइटोसिन एंड गुआनिन, यूरेसिल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, डीएनए है तो यूरेसिल नहीं होगा, प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये तीनों मिलते हैं तुम्हारा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी हमारा डीएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा एक और डायग्राम बनाते हैं हमारा कि कैसे कैसे होगा हमारा, जैसे बना लेते हैं हमारा इसको नहीं, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हमारा बना रहे हैं पेंटोज सुगर, ये हो गया पेंटोज सुगर, वन नंबर कार्बन पे जुड़ा हमारा नाइट्रोजनस बेस, ये दो तीन बार इसने तो बना रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए, यहाँ से हो गया हमारा फाइव नंबर कार्बन, फाइव से जुड़ा हमारा पेंटोज सुगर, और यहाँ पे हम जो यूज करेंगे यहाँ पे हमारा एच और एच है और यहाँ पे एच एंड ओ एच है, ठीक है, डी ऑक्सी वाला यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, तो डीऑक्सी मतलब दूसरे सेकेंड नंबर कार्बन से हमारा ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस में हमारा दो है हमारे, ठीक है, एक है हमारा प्यूरिन्स और दूसरा है हमारा पिरामिडिन्स, ठीक है, पिरामिडिन्स की बात करते हैं तो पिरामिडिन्स का पोजिशन कौन सा होगा हमारा फर्स्ट पोजिशन, एंड प्यूरिन्स की बात करते हैं तो कैसा हो गया हमारा नाइन्थ है पोजीशन जुड़ता है, ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल, और बॉन्ड को जानते ही होंगे, इसके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा हमारा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, और नाइट्रोजनस और पेंटोस शुगर के बीच में जो बॉन्ड है उसे क्या बोलेंगे हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ये हमारा डीएनए है। अब यही मॉलिकुलर आपस में जुड़ते जाते हैं यही होगा सेम, ठीक है, जुड़ते गए और डीएनए का फॉर्म बना दिए, ठीक है, जिसको बोला गया वाटसन एंड क्रिक मॉडल बताया जाता है, ठीक है, कि वाटसन ने क्रिक मॉडल कैसे बनाए तो यही था, बस इसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते गए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वाटसन ने क्रिक मॉडल जिन्होंने बताया था, ठीक है। तो अब हेडिंग हमको डालना है, पढ़ना जो है हमको मोस्टली वो है हमारा वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ना है, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल क्या क्या बताया, क्या क्या कहते थे, ठीक है, उसके बारे में देखना है, ठीक है। पहला वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो थे हमारे, उन्होंने बताया कि डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल लागू किस में होता है, डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है, डबल हेलिक्स, ठीक है, सिंगल हेलिक्स यदि है तो उसमें लागू नहीं होगा वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन एंड क्रिक ने बताया था डीएनए कैसा होता हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी एक इधर होगा सर्कल तो एक इधर होगा, ठीक है, मतलब डबल स्टैंड होंगे तभी हमारा फॉलो होगा वाटसन क्रिक मॉडल, ये सिंगल स्टैंड है तो हमारा वाटसन क्रिक मॉडल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कैसा होना चाहिए, टू स्टैंड होने चाहिए हमारे, ये हमारे वाटसन क्रिक के थे, ठीक है, यानी उसे बोलेंगे डबल स्टैंड बोलेंगे, ठीक है। थर्ड, दोनों जो चेन है हमारे मेडअप होने चाहिए न्यूक्लियो टाइड के, न्यूक्लियोसाइड के नहीं होने चाहिए, किसके होने चाहिए, न्यूक्लियो टाइड के बने होने चाहिए, ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग ईच स्टैंड इज मेड अप ऑफ ए चेन ऑफ न्यूक्लियो टाइड, ठीक है, किसके बने होने चाहिए हमारे न्यूक्लियो टाइड के बने होने चाहिए हमारे, ठीक है। फोर्थ क्या बताया इन्होंने कि दोनों जो स्ट्रैंड है हमारे, दोनों क्या है हमारे जो स्ट्रैंड है आर, ये याद रखना एंटी पैरेलल, ठीक है, ऐसा होना चाहिए हमारे
एंटी पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। दोनों स्टैंड कैसे होने चाहिए हमारे, एंटी पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। चलो अब एंटी पैरेलल होता कैसे हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। अभी देखेंगे कि एंटी पैरेलल क्यों बोल रहे हैं, कैसे है हमारा, तो उसकी बात करेंगे हम लोग कि कैसे होता हमारा एंटी पैरेलल, ठीक है। चलो अब देखना ध्यान से, ठीक है, ये तीनों चीजें याद रखना आप लोग कि डीएनए डबल हेलिकल होना चाहिए, टू स्टैंड होगा, एक स्टैंड होगा तुम्हारा फॉलो ही नहीं होगा, दोनों न्यूक्लियोटाइड के बने होने चाहिए, न्यूक्लियोसाइड है तो उसे हम डीएनए नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना। और दोनों स्टैंड कैसे होने चाहिए, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल होता क्या है अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलो जैसे इन्होंने बताया कुछ ऐसे, ठीक है, देखो डायग्राम बनाने की कोशिश किया जा रहा है, एक मिनट बच्चों, ठीक है, ए हो गया एक स्टैंड, ठीक है। सेकंड हम दूसरे पेन से ले लेते हैं, चलो ठीक है, सेकंड हमारा यहाँ से बना लेते हैं, एक मिनट, देखना बच्चों 3D में रहता तो और भी मजा आ जाता। चलो ठीक है, ये कुछ DNA के हैं जो थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। चलो बनाने कोशिश किए, बन गया जो भी बन गया, ठीक है। चलो ये हमारा डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि यदि यहाँ पे 3' है तो ये कैसा होगा हमारा, 5', और यहाँ पे 5' है तो ये कैसा होना चाहिए, 3' होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, 3 and 5'। अब देखो 3 and 5 बोल क्या रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये 5 है और ये 3' है, ठीक है, यानी एक एंड पे 5 होगा, ऐसे ही जुड़ेगा, इसी के नीचे 3 के नीचे कौन सा होगा, 5, तो वहां पे 3 आया, 3 आया, ऊपर कौन सा होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो एक तरफ 5 होगा तो एक तरफ कैसा होगा, 3, और एक तरफ 3 तो एक तरफ 5, जस्ट एंटी पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। देखो तो ये बना दिया हम लोग 3 and 5', और क्या क्या बताया था उन्होंने, ठीक है, कि जो इसका डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, इनकी डायमीटर की बात करें हमारा, तो डायमीटर कितना होता है हमारा, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो होता है हमारा 20 angstrom, ठीक है। जैसे देखो ऐसा हम लोग बनाते हैं जब डीएनए, तो कुछ इस तरह बनाया जाता है, ठीक है, हम लोग जो बनाते हैं कुछ इस तरह बनाया जाता है, ठीक है। ये देखो ये हमारा, तो ये हमारा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बॉन्ड बना दिए, ठीक है। चलो तो यही बोल रहा है कि ये जो है डायमीटर कैसा हमारा, 20 angstrom है हमारा, ठीक है। चलो अब देखो 20 angstrom, अब इनमें बोल रहा है कि जो उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, ये वाला,
ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग सैलो ग्रूव, ठीक है। और जो अंदर की तरफ धंसा है उसे बोलते हैं हम लोग डीप ग्रूव, ठीक है। ये हो गया सैलो एंड डीप ग्रूव की बात कर रहा है हमारा, ठीक है। अब देखो पूछ रहा है कि ईच टर्न, ठीक है, एक टर्न यानी यहां से ले लो, ठीक है, ये यहां से ले लिए, एक घुमा 1, 2 एंड 3, यानी यहां से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक क्वाइल में, ठीक है, यानी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा यहाँ से लेके एक क्वाइल, ठीक है, एक क्वाइल में, एक क्वाइल की डिस्टेंस कितनी होती है हमारी, 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, कितनी होती है हमारी, 34 एंगस्ट्रॉम। और ईच क्वाइल में, ठीक है, कितने नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, मतलब एडेनिन एंड ग्वानिन के पेयर्स कितने होंगे उसकी बात करते हैं, तो कितने होते हैं हमारे 34 एंगस्ट्रॉम में, 10 बेस पेयर एक टर्न, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 टर्न इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है, और 1 टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक टर्म में कितने बेस पेयर होंगे हमारे, 1 टर्म में 10 बेस पेयर होने चाहिए। ये हमारा वाटसन एंड क्रिक के मॉडल है, ठीक है, कि एक टर्म की डिस्टेंस कितनी चाहिए हमारे, इस टर्म के हमारे 34 एंगस्ट्रॉम, और एक टर्म में 10 बेस पेयर होने चाहिए, यानी यदि 1 बेस पेयर का डिस्टेंस पूछा जाए, 1 बेस पेयर का, तो 3.4 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा, 3.4, 3.4 एंगस्ट्रॉम एक बेस पेयर की, ठीक है, एक बेस पेयर का कितना जाएगा 3.4, क्योंकि 10 बेस पेयर का कितना हमारा 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये हमारे हैं डबल हेलिकल मॉडल के बारे में बताया था वाटसन एंड क्रिक, दो तीन चीजें कि जो इसका डायमीटर यहाँ से देखा जाए तो 20 एंगस्ट्रॉम है हमारा, ठीक है, ईच टर्म का कितना है हमारा, एक टर्म में कितने बेस पेयर होने चाहिए हमारे, 10 बेस पेयर, उसका डिस्टेंस कितना है हमारा एक टर्म का, 34 एंगस्ट्रॉम है हमारा, और एक बेस पेयर का कितना हमारा, 3.4 एंगस्ट्रॉम, और दोनों कैसे हमारे एंटी पैरेलल, ठीक है। अब देखो एंटी पैरेलल यानी बोल रहा है ये जैसे हम बनाए कि ये 5 डायरेक्शन, तो इधर 3 डायरेक्शन, इधर 5 डायरेक्शन, तो इधर 3 डायरेक्शन, यही हमारा एंटी पैरेलल, ठीक है। अब देखो इसको मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के देख लेते हैं कि मॉलिकुलर स्ट्रक्चर कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, यहाँ पे और क्लियर करते हैं हम लोग। यहाँ पे हो गया हमारा नाइट्रोजिनस बेस हो गया, यहाँ पे OH है हमारा, ए हमारा, यहाँ पे 5 कार्बन पे हमारा कौन सा, हमारा फॉस्फोरिक एस, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस 1 नंबर कार्बन, और ये कौन सा हमारा, कौन सा कार्बन नंबर है, 1, 2, 3, ठीक है। अब देखो इसको आपस में जोड़ते हुए चले जाना है, ठीक है, इसके नीचे जुड़ा होगा हमारा कौन सा, फॉस्फोरस जोड़ दिए, फॉस्फोरस के बाद हम लोग फिर यहाँ पे, क्योंकि फास्फोरस है यहाँ पे हमारा 5 नंबर कार्बन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरह बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे फिर नाइट्रोजन, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे जुड़ गया हमारा फास्फोरस 5 नंबर कार्बन से, ठीक है, यहाँ पे 5 कर दूँ, यहाँ पे तो 4 होता है, यहाँ पे हो गया हमारा 5 नंबर कार्बन, ठीक है। अब इसके नीचे फिर क्या होगा हमारा, इसके नीचे भी हम जोड़ लेते हैं फिर हमारा फास्फोरस, तो देखो यहाँ पे इससे जुड़ेगा फास्फोरस, लेकिन फास्फोरस को छोड़ दो, ठीक है। अब देखो ये जो स्टैंड है हमारा 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन हो रहा है हमारा, ठीक है, सेकेंड हमारा जो होना चाहिए इसके सामने जो जुड़ेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपस में जुड़ेंगे तो कैसा होना चाहिए हमारा, एंटी पैरेलल होना चाहिए, कैसा बोला, एंटी पैरेलल कैसे होगा, चलो यहाँ पे हम लोग ये ऑक्सीजन जोड़ लिए, ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा नाइट्रोजनस, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया। अब देखना यहाँ पे कैसा होगा हमारा OH, ठीक है, क्योंकि हमारा 1, 2, और ये हो गया हमारा 3 डैश, ठीक है, और ये हो गया हमारा 5 डैश, जिसपे हमारा क्या है, फॉस्फोरस, ठीक है। अब फॉस्फोरस से हमारा बॉन्ड जोड़ लेते हैं, ये हमारा ये फॉस्फोरस से बॉन्ड जुड़ गया, फॉस्फोरस से बॉन्ड जुड़ गया, फिर हमारा यहाँ पे आएगा हमारा इस तरह कुछ करके,
ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया हमारा नाइट्रोजन, यहाँ पे हो गया हमारा 5 फॉस्फोरस, और यहाँ पे हो गया हमारा ओ एच इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। चलो देखो अब इनकी पहलर है। अब देखो यहाँ पे हमारा कौन सा है, 5 डैश है हमारा, यहाँ पे 5 डैश हो रहा है और यहाँ पे कैसा हो रहा हमारा 3 डैश, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है हमारा कि एक स्टैंड हमारा इस तरह देखना, ठीक है। दूसरे पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह ये वाला जो है हमारा, यहाँ पे 5 डैश आ रहा है और यहाँ पे 3 डैश, ठीक आ रहा है। देखो यहाँ पे 5 डैश आ रहा है और यहाँ पे 3 डैश आ रहा है, और दूसरे वाले में आ रहा है हमारा एंटी पैलर, यदि जोड़ रहे हैं तो 3 डैश और ये 5 डैश, इसी को बोलते हैं एंटी पैलर, 5 to 3 डैश बोलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। यदि आप देखो यहाँ पे देखना, ठीक है, अब बॉन्ड की बात पूछी जाएगी, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, दोनों नाइट्रोजनस बेस को यदि जोड़ना है तो कौन सा बॉन्ड लगेगा, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए लगता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यदि यहाँ पे एडेनिन है, ठीक है, तो यहाँ पे थाइमिन होगा। यदि यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे हमारा ग्वानिन, यदि मतलब साइटोसिन है तो यहाँ पे हमारा ग्वानिन होगा, देखना अभी हम आगे पढ़ेंगे, चलो ये बना लिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। यानी एक हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, अभी वो भूल जाओ, ठीक है, कि कैसे ये सारे ए एंड टी जुड़े हैं, ठीक है, और जी एंड सी क्या क्या बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, एक रूल होता है जिसको बोलते हैं बेस पेयर रूल, चार गाप रूल, ठीक है, कि प्यूरिन पिरामिडिन से ही जुड़ेगा और पिरामिडिन प्यूरिन से जुड़ेगा, कभी प्यूरिन प्यूरिन के साथ नहीं होगा, पिरामिडिन पिरामिडिन के साथ बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनाएगा, डीएनए में याद रखना, ठीक है। यदि प्यूरिन है जिसके साथ पिरामिडिन जुड़ेगा, पिरामिडिन है तो प्यूरिन जुड़ेगा, ए के साथ एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन जुड़ता है, ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ता है, ठीक है, और एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, ग्वानिन है साइटोसिन के बाद जुड़ने के लिए हमारा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। अभी देखो आगे लिखेंगे भी ये, ठीक है। अब देखो ये हमारा मॉलिक्यूलर जो हम लोग ऊपर बनाया है ना, ठीक है, देखो ये ऊपर बनाए थे 5 to 3 डायरेक्शन, उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्राम में देख लिया गया, ठीक है, कि कैसे हम बोल रहे हैं 5 है और 3 डायरेक्शन में होता है, यानी 3 डायरेक्शन पे OH मॉलिक्यूल फ्री है, उल्टा होगा 5 पे फास्फोरस वाला फ्री होता है, ठीक है, दूसरे में एंटी पैरेलल होता है, यही हमारा डीएनए वाटसन एनिक्रिक मॉडल यही बताए थे, ठीक है। चलो अब इसके बारे में यहां से थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्या क्या था हमारा, ठीक है, यदि हम बात करते हैं, ठीक है, हमेशा लिख लेंगे कि प्यूरिन पेयर विथ पिरामिडिन्स, किससे करेगा हमारा, प्यूरिन पेयर विथ पिरामिडिन्स मतलब ए एंड जी प्यूरिन है एंड सी एंड टी हमारा क्या है पिरामिडिन्स, बॉन्ड होगा ए एंड टी के बीच में बनेगा और दूसरा हमारा जी एंड सी के में बीच बनेगा, ठीक है। यानी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा एडेनिन एंड थायमिन के बीच में बनता है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में बनता है, ठीक है, ये याद रखना, इसको बोलते हैं बेस पेयर रूल, ठीक है, यानी एडेनिन थायमिन के साथ ही जुड़ेगा, ग्वानिन एंड साइटोसिन के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर डायग्राम है, ठीक है। सेकेंड कि क्या क्या लिखा उसको सेंटेंस में लिख लेते हैं कि डीएनए का डायमीटर की बात करें, डायमीटर्स की बात करें कितना हमारा 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा। सेकेंड कह रहा था कि वन टर्न की बात कर रहा था तो कितना था हमारा, वन टर्न की बात कर रहे थे तो कितना था हमारा 34 एंगस्ट्रॉम हो रहा था, ठीक है, वन टर्न 34 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस, और वन टर्न में कितने बेस पेयर थे हमारे 10 बेस पेयर इज वन टर्न, ठीक है, और जब वन टर्न तो डिस्टेंस बिटवीन कितना होगा वन बेस पेयर में तो 3.4 एंगस्ट्रॉम इन वन बेस पेयर, ठीक है। और हेलिक्स की बात करें, जो हेलिक्स है हमारा, ठीक है, हेलिक्स इज कैसा होना चाहिए हमारा मेंडल के अकॉर्डिंग, जो मेंडल ने बताया था क्लॉक वाइज, क्या होना चाहिए हमारा क्लॉक वाइज 10 बेस
पेयर होना चाहिए, ठीक है। यदि एंटी क्लॉक वाइज है तो उसे हम डीएनए का, वाटसन क्रिक ने जो मॉडल दिया था वो कैसा था हमारा, क्लॉक वाइज था, एंटी क्लॉक वाइज की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वाटसन एंड क्रिक के कुछ, हमारे जो एनसीईआरटी में भी दिया गया, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि कैसा था क्लॉक वाइज हेलिक्स। देखो क्लॉक वाइज हमारा है, ठीक है, यहाँ से हमारा कैसा, हमारा ये क्लॉक और एंटी क्लॉक वाला, ठीक है, समझते हो, पंखा घूम रहा है सीधा उल्टा घूम रहा है, ठीक है, क्लॉक और एंटी क्लॉक समझते हो गया आप लोग, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा ये हो गया डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या क्या चीजें हैं, एडिनिन ग्वानिन है साइटोसिन एंड यूरेसिल की बात कर रहे थे, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग बेस पेयर रूल बोला जाता है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे एडिनिन एंड ग्वानिन के साथ जुड़ा है ना यहाँ पे, जैसे हम लोग ये, ठीक है, इसको कहीं कहीं लिखा गया है, इसी को बोलते हैं हम लोग बेस पेयर रूल्स, ठीक है। बेस पेयर रूल्स यानी ग्वानिन प्यूरिन विथ पिरामिडिन से ही बॉन्ड करेगा, ठीक है, यानी प्यूरिन एक तरफ होगा बॉन्ड, ठीक है। अब 10 बेस पेयर की बात क्या कर रहा है, बेस पेयर, ठीक है, देखो यहाँ पे एक है, दो दो बेस पेयर है, नाइट्रोजन के कितने हैं, दो है, एक एडिनिन एक प्यूरिन, दोनों आपस में जुड़ेंगे बेस पेयर, और दोनों के बीच में कौन सा है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, एक नहीं लेंगे, दो दो बेस पेयर, इसे बेस पेयर बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे यदि हम बात करें डीएनए की, जैसे मान लो यहाँ पे एडिनिन होगा तो यहाँ थाइमिन होगा, ग्वानिन होगा साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन थाइमिन, इस तरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी बोल रहा बेस पेयर से बोल रहा, एक के दूसरे साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीएनए के बारे में कुछ, ठीक है। अब इसी से एक का हमारा और रूल आता है जिसको बोलते हैं हम लोग चारगॉफ रूल, ठीक है, क्या बोला जाता है हमारा चारगॉफ से रूल्स, ठीक है, ये भी दिया है आपको एनसीईआरटी में कि चारगॉफ रूल्स क्या होता है, ठीक है। ये था हमारा, ये भी याद रखना कि अप्लीकेबल ओनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए, चारगॉफ रूल भी किसके लिए अप्लीकेबल था हमारा, ओनली फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था कि ए एंड टी आर इक्वल, जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होना चाहिए, ठीक है। यदि डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो जितना डीएनए में एडेनिन होगा उतना ही कितना होना चाहिए हमारा, थायमिन भी होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इन्होंने बताया था कि जितना ग्वानिन होगा उतना ही कितना साइटोसिन होना चाहिए, ठीक है, जितना ग्वानिन उतना साइटोसिन आर इक्वल, ठीक है, जितना साइटोसिन उतना ही ग्वानिन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं जितना ग्वानिन उतना एडेनिन कर देना, जितना साइटोसिन उतना थायमिन करना, जितना एडेनिन उतना हमारा थायमिन होगा, जितना साइटोसिन उतना ही हमारा क्या होगा ग्वानिन होगा, ठीक है। थर्ड इन्होंने बताया था वही कि प्यूरिन जितना होगा उतना ही क्या होगा हमारा, तीन दोनों लिख सकते हैं पिरामिडीन होगा, ठीक है, ये बताया। और ऐसा लिखा इन्होंने, कुछ ऐसा लिखा कि ए अपॉन टी इज इक्वल टू वन एंड जी अपॉन सी इज इक्वल टू वन, ठीक है, ए लिखा था, ठीक है। यानी दूसरा एक और लिखा था इन्होंने, ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू वन फॉर स्पेसिस, वेरिएबल करता है स्पेसिस टू स्पेसिस। चलो ठीक है, अब ये हो गया चारगांव रूल हमारा, एडेनिन जितना उतना थायमिन हमारा, डीएनए कोई डीएनए दिया गया है तब की बात करें, ठीक है, जितना ग्वानिन उतना ही कितना होगा हमारा साइटोसिन होगा, ठीक है। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या है कि एक डीएनए दिया गया है, कोई भी एक डीएनए दिया जिसमें एडेनिन दिया गया है आपको 20%, एडेनिन कितना दिया हमारा 20%, और साइटोसिन कितना होगा ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। एडेनिन दिया है, एक डीएनए है, ठीक है, जैसे बना ले डीएनए हमारा कोई भी, तो गिवेन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, जिसमें एडेनिन कितना दिया हमारा 20%, और पूछ रहा है साइटोसिन कितना होगा उस डीएनए में, ठीक है। तो चलो आप लोग निकालो, कोशिश करो, आंसर दो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एडेनिन 20% दिया है तो साइटोसिन कितना होगा, चलिए, वेरी गुड, प्रणय, बहुत सही बहुत सही, ठीक है, और भी लोग आंसर दें फटाफट, ठीक है, प्रणय बहुत सही आंसर आ गया। अब
बहुत सही, करेक्ट आंसर। और लोग भी कोशिश करें कि दिया एडेनिन 20% है किसी भी डीएनए में, तो साइटोसिन क्या है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको नीट में। और भी लोग आंसर दें, एक ही लोगों का आंसर है पढ़ने का, सब लोग कोशिश करें, आ जाना चाहिए आंसर, बहुत आसान है, आंसर आना चाहिए सबका। ट्राई करें सब लोग। हाँ बहुत सही, ठीक है, बहुत सही सुरुद्दीन, बहुत सही दिया इन्होंने। और भी लोग ट्राई करें, आना चाहिए, बहुत सही श्रुति सृष्टि प्रणय, बहुत सही आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। और लोग कोशिश करें, यदि समझ में आ गया तो आंसर आना चाहिए सबको, कि जितना एडेनिन उतना थायमिन, जितना ग्वानिन उतना साइटोसिन। तो डीएनए में दिया है हमारा एडेनिन 20% है, तो साइटोसिन कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक है। चलो ट्राई करते रहे आप लोग, ठीक है। देखो एडेनिन यदि 20% हमारा पता है फॉर्मूला की, जितना एडेनिन उतना थायमिन, यानी जितना एडेनिन उतना थायमिन, जितना ग्वानिन उतना साइटोसिन, ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। एडेनिन 20% है, तो ये भी 20%, यानी 100 में से 40% तो हमारा कैलकुलेट हो गया, बचा कितना 60%, तो 60 में 30% है और ये 30% ये, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 30% आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, कि कितने परसेंटेज आएंगे हमारा, कि एडेनिन कोई भी डीएनए है, अब कितना भी दो, ठीक है, कितना भी हमको दे दे तो हम तुरंत उसे निकाल सकते हैं, ठीक है, कि इतना हमारा परसेंटेज है तो कैसे निकालेंगे। तो हो गया हमारा 30% आंसर हो गया, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। चल ये डीएनए के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया था, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आज थोड़ा सा शॉर्ट सेशन है आपका, फिर इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, मतलब लेक्चर ओवर करेंगे, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट सेशन है आज, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, दिया गया है ऑन द डीएनए के बारे में, कि डीएनए कितने तरह का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेस पेयर एंड क्वाइलिंग, नंबर ऑफ बेस पेयर एंड क्वाइलिंग के बेस पे डीएनए कितने तरह के होते हैं, ठीक है, कितने तरह के डीएनए होते हैं। चलो ये डीएनए लिख लिया हम लोग यहाँ पे, सेकेंड नंबर ऑफ बेस पेयर एंड थर्ड की क्वाइलिंग, यही पूछ रहे हैं। तो देखा गया है, ठीक है, कि नंबर ऑफ बेस पेयर एंड क्वाइलिंग के बेसिस पे हमारे डीएनए होते हैं ए बी सी डी एंड जेड, पांच तरह के डीएनए पाए गए हैं, ए बी सी डी एंड जेड, ये फाइव टाइप के डीएनए पाए जाते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर एंड क्वाइलिंग के बेस पे देखा जाता है। तो ठीक है, अब जो हमारा ए है, ठीक है, कौन सा हमारा ए डीएनए है, उसमें बेस पेयर कितने होते हैं हमारे, 11 बेस पेयर है हमारे, सेकेंड में 10 बेस पेयर, सी में 9.33 बेस पेयर, ये देखा गया है 8 और ये 12, ठीक है, सब एक्सपेरिमेंट किया गया था, सब देखा गया है, ठीक है, ऐसा नहीं हम लिख रहे हैं अपने मन से, ठीक है, ये 12, ठीक है, ये हो गया हमारे बेस पेयर के, कि अलग अलग टाइप में अलग अलग डीएनए में अलग अलग बेस पेयर हैं, ठीक है। क्वाइलिंग की बात की जाए तो क्वाइलिंग में कैसा कैसा होगा हमारा, तो चलो क्वाइलिंग लिख देते हैं, जो ए है वो है हमारा राइट हैंडेड, कैसा हमारा राइट हैंडेड, ठीक है, यानी राइट हैंडेड मतलब क्लॉक वाइज, ठीक है, ये भी कैसा होगा हमारा राइट हैंडेड, सब राइट हैंडेड हमारे, ये भी कैसा हमारा राइट हैंडेड था, ये भी कैसा था हमारा राइट हैंडेड, बट एक ऐसा था हमारा लेफ्ट, या फिर बोल सकते हैं एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज की जगह एंटी क्लॉक वाइज, ये सब क्या हमारे क्लॉक वाइज, और एक ऐसा हमारा एंटी
क्लॉकवाइज, ठीक है। तो नंबर ऑफ बेस पेयर के और नंबर ऑफ क्वाइलिंग के टर्म पे हमारे बेस डीएनए कितने तरह के हैं, हमारे पांच तरह के, ए बी सी डी जेड। देखो ए है, फिर बी है, सी है, डी, यहाँ तक हमारा नंबर क्या हो रहा है, हमारे कम हो रहा है, बट जे में क्या हो रहा है, ज्यादा में जा रहा है, ठीक है। ए बी सी डी ये साथ में ही होते हैं और जेड सबसे लास्ट में है, तो नंबर ज्यादा हो गया, और सबसे लास्ट में है तो कैसा हो गया, वो एंटी क्लॉक वाइज है, ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है कि जो ए बी सी डी जेड है, इसमें कौन से डीएनए की डिस्कवरी हमारे वाटसन एंड क्रिक ने किया था, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ने किस डीएनए की डिस्कवरी किया था यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान देना, वाटसन एंड क्रिक ने जो डिस्कवरी की थी उसमें बेस पेयर कितने थे हमारे, 10 बेस पेयर थे, और कैसा था हमारा, क्लॉक वाइज यानी राइट हैंडेड। तो हमारा कौन सा है, जो डीएनए बी, डीएनए बी की डिस्कवरी हमारे वाटसन एंड क्रिक ने किया था, क्योंकि उसमें 10 बेस पेयर था और कैसा था हमारा, राइट हैंडेड था हमारा, ठीक है, उसी की डिस्कवरी हमारा वाटसन एंड क्रिक साहब ने किया था, ठीक है। चलो अब इसके बाद, ठीक है, डीएनए हो गया, तो अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है डीएनए, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, पूरा टॉपिक से डीएनए कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया आज की डिस्कवरी के बारे में, कुछ न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखा, न्यूक्लिक एसिड में हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड किससे किससे मिलकर बना उसके बारे में स्टडी किया, फिर उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लिक एसिड डायग्राम देखा, फिर उसमें हमारा पहला डीएनए के बारे में देखा, किसने डिस्कवरी की, स्ट्रक्चर के बारे में देखा, कैसे जुड़ा होता है उसके बारे में देखा, कितने बेस पेयर होते हैं, एडेनिन थायमिन के बीच में बॉन्ड कितने, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसके बीच में, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसको देखा, फिर उसके बाद कितने टाइप के डीएनए होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो बचा है वो कौन सा, हमारा आरएनए, ठीक है। तो थोड़ा सा आज सेशन थोड़ा छोटा है, 10-15 मिनट पहले छोड़ने, कुछ अर्जेंट वर्क के नाते, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, नया टॉपिक होगा जिसको बोलेंगे हम लोग आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है, कि राइबोन्यूक्लिक एसिड कैसे कैसे होता है, कितने टाइप के होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आरएनए डीएनए के बारे, आरएनए डीएनए दोनों, डीएनए पढ़ लिए, आरएनए कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस का, जो कैसे किसने डिस्कवरी किया, आरएनए को बताया कि डीएनए को बताया कि जेनेटिक मटेरियल है, उसके बारे में कौन कौन से साइंटिस्ट हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि हमको यदि आरएनए डीएनए आगे पढ़ना शुरू कर दिए और हमको पता ही नहीं है डीएनए आरएनए होता क्या है, कैसे स्ट्रक्चर, किसने डिस्कवरी की, कितने बेस पेयर होते हैं, तो आगे हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है बच्चों। तो पढ़ाई करते रहना, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, ठीक है, हेल्थ का ख्याल रखो अपना, ठीक है, हेल्थ बहुत जरूरी है, सबसे पहले खाते पीते रहो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है, मिलते हम लोग नेक्स्ट टर्म से, ठीक है। डीएनए पढ़ना आप लोग अच्छे से, पिछला चैप्टर पढ़ना, ठीक है, सैटरडे को हम लोग डाउट सेशन रखेंगे, कल डाउट सेशन रहेगा हमारा, सैटरडे है ना कल, हाँ ठीक है, कल सैटरडे है, डाउट सेशन रखेंगे, जो भी डाउट होगा आप लोग कल पूछ सकते हो, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग डाउट कंप्लीट हो जाएगा, समय बचेगा तो हम लोग आरएनए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्म से, ठीक है, ओके, थैंक यू।